वो सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सरप्लस बजट है, सरप्लस रेवेन्यू है, तो आखिरकार बजट है और खर्च क्यों नहीं हो रहा? मुख्यमंत्री जी दोषी हैं अगर बजट क्यों नहीं खर्च हो रहा। ये नियमावली लगातार इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार से अगर सवाल पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उनके पास जवाब नहीं है कि आखिरकार क्या है। सरकार कहती है रेवेन्यू सरप्लस है। अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो जो सामान्य सामान्य समस्या उसका समाधान क्यों नहीं है? गरीब को इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है अस्पताल में? गरीब को पर्याप्त दवाइयां क्यों नहीं मिल पा रही हैं? गरीब को ऑपरेशन के लिए क्यों इंतजार करना पड़ रहा है? गरीब की जो जाँचें होती हैं वो क्यों नहीं हो पा रही हैं? तो ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। इसलिए सरकार भागना चाहती है, नियमावली भी ऐसी बनाना चाहती है। साथ साथ सदन का समय कितना है? आप दो दिन में, तीन दिन में उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश की हर विधायक अपने क्षेत्र की कोई ना कोई समस्या उठाना चाहता है, क्या दो दिन के अंदर, तीन दिन के अंदर उन समस्याओं को उठा पाएगा? तो ये सरकार विपक्ष को फेस नहीं करना चाहती है, विपक्ष के सवालों को फेस नहीं करना चाहती है, इसीलिए समय कम है और इसीलिए इस तरह की नियमावली बनाई जा रही है। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सरप्लस बजट है, सरप्लस रेवेन्यू है, तो आखिरकार बजट है और खर्च क्यों नहीं हो रहा? अगर खर्च नहीं हो रहा तो इसका मतलब विकास नहीं हो रहा है। खर्च नहीं हो रहा है इसका मतलब गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा है। अगर बजट खर्च नहीं हो रहा तो इसका मतलब किसानों को रेट नहीं मिल रहा, ना उनको खाद मिल रही है। बजट नहीं खर्च हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी बिजली व्यवस्था भी बेहतर नहीं है। तो बजट ना खर्च करना सरकार की नाकामी है, और सरकार की नाकामी केवल सरकार की नाकामी नहीं है,